guys, welcome back to my and my mom's channel. And for today's video, we are making मटर की चाट. हाँ, तो आज हम मटर की चाट बनाने वाले. इसको सही करते हैं. रियल नहीं है पहली बात तो. अब हम बनाने वाले मटर की चाट. तो चलो छोड़ते हैं. Don't forget to like this. तो guys, हमारे पास यहाँ पे करियंडर, लेमन, अनियंस, गार्लिक्स एंड ग्रीन चिलीज एंड सम जिंजर्स. और ये दोनों अभी हम इन डाल लें, ये हम बाद में यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले तेल. तो गाइस, हमारे पास यहाँ पर है जीरा, धनिया, नमक और लाल मिर्च. एंड ये हमारे पास है हमारा ऑयल एंड दिस इज अवर हींग. ओके, सो अब हम इन सारे को साइड में रख देते हैं. और जिससे हम बनाने वाले हैं आज की डिश वो मैं आपको दिखा देती हूँ. हमारे पास यहाँ पर है पोटैटो एंड पीस. सो अभी हमारी दोनों ये मेन चीज है दोनों की दोनों. ठीक है, अभी हम इनको साइड में रखते हैं. ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे है जिंजर, ओके, ग्रीन चिलीज. अभी हमें इन सबको चॉप करना है एंड गार्लिक. अवर अनियंस यमी यमी. अभी कि हमारे अनियंस तल गई. अब हम इसको करेंगे बंद. तो गाइज, हमने ये यहाँ पे चॉप कर लिया. आप लोग देख सकते हो ऐसा चॉप होएगा. आपको ग्रीन चिली जितनी मोटी रखनी है. ठीक है, ये देखो आप चॉप देख सकते हो. चॉप चॉप्ड ऐसा होएगा ये. तो अब हम ये हमने ये चॉप कर लिया है. अब हम करते हैं गैस ऑन. हमने गैस ऑन कर लिया. हल्का सा इसको हीट अप होने देते हैं. ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे हल्का ये हीट अप हो चुका है. अब हम डालेंगे इसके अंदर तेल. तेल डाल दिया है. अब हम डालेंगे. तो गाइस, अब हम इसके अंदर डालेंगे चीरा. हमें इतना चीरा डालना है. डाल दिया हमने जीरा. और हम इसको हल्का सा स्टर कर लेते हैं. अब हम डालेंगे इसके अंदर हींग. आपको इतनी हींग डाल दी है. हल्का सा इसका ऐसा टेक्सचर सा आ जाएगा. अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी जो हमने जो चॉप करी हुई थी वो वाली. ज़्यादा उछलेगी थी तो आप सबका तो संभाल के डालना, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा उछलेंगे. और एक बार लग गई तो उसी जगह पर तुम्हारा दाग करेगा ना. तो अब हमने ये तो डाल दिया सारा सामान. अब हम इसको हल्का सा कुक होने देते हैं. ओके, तो इसको हमें ढकना वकना नहीं है कुछ. अब ये हवाई जो है वेजिटेबल्स कुक हो चुके. अब हम इसको डालेंगे पोटैटो. पोटैटो डालेंगे. अब हम इसको करेंगे तो अब हम डालेंगे इसके अंदर हमारी मेन चीज चीनी. हमारी स्टोर हो गई है. अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार. तो मम्मा, अब आप इसको मिक्स करो. मेरे को कैमरा पकड़ा था, मुझे मुझसे पता नहीं है मिक्स नहीं हो रहा. याद है मम्मा. तो गाइस, अब हम इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद जब मिक्स हो जाएगा
हम इसका डालेंगे धनिया पाउडर, ठीक है, एंड मिक्स इट अगेन एंड नाउ वी ऐड रेड चिली, जो भी स्वाद अनुसार डालिए आपको, ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ी सी डाली है, अगर आप लोग ज्यादा खाते हो ज्यादा डाल सकते हो, इट्स योर चॉइस। एंड आफ्टर मिक्सिंग वी ऐड सम वाटर, ओके, हमें बहुत कम डालना है पानी ताकि कुक हो जाए, हम इसलिए ये अच्छे से कुक हो जाए, मतलब वो कच्ची ना रहे, पोटैटोस कच्चे ना रहे, इसलिए हम इसके अंदर हल्का सा पानी डाल रहे हैं। आप इसको एक दो बार मिक्स कर लेना एक दो मिनट के लिए, और बीच बीच में मिक्स करना आते रहिएगा आप। अब हम देंगे इसको ढक, अब हम इसको ढक देंगे फॉर 2 मिनट्स, ओके। तो गाइस अब हमारी जो ये है पक चुकी है, आप देख सकते हैं ये हल्की से नीचे से बर्न हो जाएगी, वो कोई नहीं, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं कोरिएंडर, सबसे पहले गैस ऑफ कर रहे हैं, अभी कोरिएंडर डालते हैं, दोबारा इसको मिक्स, और नींबू हम इसको ऊपर से डालेंगे, अभी हल्का सा डालेंगे क्योंकि अभी गर्म है ना। तो गाइस अब हम इसके अंदर नींबू डाल दिया है, ओके, हमने हल्का सा डाला है, बाद में और डाल देगा, मिट्टा ही नींबू खाते, ज्यादा खट्टा खाना भी अच्छा नहीं होता। तो अब हम इसको कर देते हैं सॉफ्ट। तो गाइस हम इसको डाल रहे हैं, ये मैंने डाली, मेरी मम्मा डाली है, फिर उससे नहीं उठ रहा था ये, अब देख सकते हैं। तो अब डाल चुका है हमारा, तो आप देख सकते हैं इसको, अभी थोड़ा सा और नींबू डाल देते हैं, बन के तैयार हो चुका है, हल्का सा हम इसके ऊपर डालेंगे, गार्निश करेंगे हमारा करियंडर ऐसे, और आप देख सकते हैं लुक एट दिस, हाउ टेम्प्टिंग लुकिंग, मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ कैसा है ये, सी यम्मी, गाइस सो हम टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है, गर्म बहुत है, बहुत है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस, बाय, डोंट फॉरगेट टू कमेंट।